हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज जा रहा हूँ दुमका 5 दिवसीय पशुपालन ट्रेनिंग के लिए। तो मेरे साथ है मेरा दोस्त जो कि बरहेट प्रखंड से आया हुआ, और मैं साहेबगंज बुरु प्रखंड से, और मेरे 4-5 साथी है जो कि टोटल हम लोग कुल अभी 6 लोग आए हुए। तो हम लोग अभी फ़िलहाल ब्लॉक के पास हैं और अभी हम लोग ट्रेनिंग सेंटर के इधर जा रहे हैं। तो देखिए, फ़िलहाल हम लोग ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो है घुस चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ जो कि ट्रेनिंग करने वाला, प्रशिक्षण करने वाला लड़का लोग आया हुआ। तो फ़िलहाल हम लोग के लिए व्यवस्था वगैरह किया जा रहा, तो फ़िलहाल हम लोग के लिए सोने बैठने का इंतजाम किया गया। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे रूम के अंदर गद्दा है और ऊपर से चादर बिछाया गया। इसके बाद हम लोग को शाम के टाइम में सबको एक एक कंबल दिया जाएगा। तो सारे लोग जो है अंदर घुस चुके हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छे से जो है चारों साइड बिछाया गया है, और 3 बेड पे 4 लड़के 5 लड़के ऐसे करके डिवाइड किया गया। जैसे कि देख पा रहे हैं, फ़िलहाल हम लोग घुस गए। हमारे साथी मेरे साथ में है। हमारे ट्रेनिंग का पहला दिन है और यहाँ पे हम थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो फ़िलहाल देख पा रहे हैं हम जो है कि हॉस्पिटल कैंपस से बाहर आए हुए, ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आए हुए हमारे। तो हमारा क्लास का टाइम हो गया, हम लोग क्लास रूम में बैठ गए हैं। फर्स्ट डे तो हमारा क्लास जो है डिले हुआ थोड़ा सा, उस दिन जो है हमारा 2 बजे से स्टार्टिंग हुआ। तो देख पा रहे हैं हम लोग का जो है क्लासरूम खचाखच भरा हुआ। इधर हमारे सर हैं जो कि हम लोगों को प्रशिक्षण देंगे। तो हम लोग का दोपहर का खाना जो है आ गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दाल भात सब्जी भुजिया पापड़ और अचार वगैरह है। तो खाना तो काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक है। तो दोपहर का खाना हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं, और इसके बाद जो है आधे घंटा का रेस्ट करेंगे, फिर जो है हम लोग क्लासरूम में क्लास करने जाए। यार कैसा लगा ट्रेनिंग, कैसा रहा भाई? बहुत अच्छा एकदम ट्रेनिंग था, एकदम खाना पीना बहुत मस्त था। जानते हैं और क्या बताएं यार, का बेड कैसा व्यवस्था भी बहुत अच्छा, गद्दी भी, चादर भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर टेंट बदल रहे हैं, सब देख सकते हैं आप लोग। देखिए उधर भी देखिए दोस्त सब है। शाम को 7:30 बजे के लगभग जो हम लोग को चाय मिलता है। तो सारे लोग अभी चाय पीने आए हुए, देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो है किचन है, और हम लोग सारे लड़के जो है अभी जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आए हुए चाय पी रहे। तो फिलहाल चाय का चुस्की ले लेते हैं हम भी। रात का खाना जो है हम लोग का जो 8:30 से 9 बजे के बीच हो जाता है, और खाने के बाद जो है हम लोग फिलहाल घूम रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को जो दृश्य दिखा रहा है, ये है हमारा पशु हॉस्पिटल के अंदर का ही ये दृश्य है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है डॉक्टर वगैरह बैठते हैं, और यहाँ पे जो है जो भी लोग अपना पशु को लेकर आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए, वो यहाँ पे बैठते हैं इस कुर्सी पे। और इधर जो देख पा रहे हैं, इधर सारा बेंच वगैरह है जिसमें कि जानवर को लेटाया जाता है। और ये रहा हम लोग का क्लासरूम जहाँ पर हम लोग क्लास करते हैं। और शाम तो नेक्स्ट डे ट्रेनिंग का दूसरा दिन, हम सवेरे से भी उठ गए हैं, और अभी टाइम हो चुका है 4:30 बजे के लगभग। और यहाँ पे हम अंदर पे ही टहल रहे हैं क्योंकि बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तक 7 नहीं बजेगा तब तक कोई गेट खुलता नहीं। तो चारों साइड से हम लोग का जो है चारों गेट जो है पूरा तरीके से लॉक किया गया, ताकि बाहर से कोई भी अंदर ना आ सके और अंदर के जो भी है वो बाहर ना जा सके, जिससे कि हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित हैं। आज फिर से ट्रेनिंग का तीसरा दिन, और हम लोग जो है फिर से बाहर आ गए 6:30 बजे गेट खुलने के बाद। ब्रश व्रश कर रहे हैं, तो मैं अपना साथ में दत्तवल लेके आ रहा हूं। हम लोग तीनों जो है ज़्यादातर हम लोग साथ में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है दोस्ती हो गया है फिलहाल के लिए, पता नहीं बाद का पता नहीं बता सकते। तो हमारे पीछे जो रोड देख पा रहे हैं, ये जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज के साइड जाता है, तो थोड़ा सा उसके आगे चलेंगे फिर आप लोग को दिख। तो रेफरल हॉस्पिटल के बगल से ही रोड जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज दोनों जो है अटैच में है। चलिए दिख। तो ये रहा हमारा दुमका का इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका जो है गेट देख पा रहे हैं आप लोग। और ये रहा इसके बगल में ही जस्ट राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दुमका, जो कि दोनों का गेट जो है सेम प्लेस पर है, दोनों अगल बगल में ही है। फिलहाल हम लोग टहलते टहलते ब्रश करते करते जो इधर ही आ गए, सोचे सवेरे टहल लेते हैं। तो इससे पहले हम शायद 2019 में इंजीनियरिंग कॉलेज आए थे, कुछ प्रोग्राम था तो यहीं पे आए हुए थे। तो बारिश की वजह से सडनली तुरंत ही वापस चले गए, तो उतना मज़ा आया नहीं। देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को फिर दुमका का अलग अलग लोकेशन दिखाते हैं। तो ये रहा भाई बाहर का मेन गेट, और हमारा गाड़ी जो इधर रखा हुआ। तो
गोविंद भैया अभी फिलहाल गाड़ी निकाल रहा है, हम लोग तीनों निकलेंगे बाहर और जाएंगे थोड़ा सा हल्का फुल्का दुमका का एक दो चक्कर मारेंगे, किधर क्या क्या पता नहीं, आइडिया नहीं। ये जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है पशु रेफरल हॉस्पिटल, ये जो है हमारा एसपी कॉलेज दुमका के बगल में ही, आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये रहा भाई पोखरा चौक का पोखरा, और हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं पोखरा चौक से राइट लेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे गांधी मैदान के साइड, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। देखिए ये रहा, यहीं पे छठ पूजा वगैरह दुमका शहर के लोग यहीं पे छठ पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर साहब जो है बकरी को इंजेक्शन दे रही, क्योंकि ये पशु अस्पताल है, इस वजह से यहाँ पे देख पा रहे हैं बकरी, कुत्ता, भैंस, बकरा वगैरह इस टाइप से जानवर। तो भाई हम लोग आ गए फिलहाल दुमका स्टेशन, और देख पा रहे हैं उस वो साइड है हम लोग का स्टेशन, और देख रहे हैं भाई कितना सारा कोयला यार, एक जो काला काला दिख रहा है ये देखिए भाई, ये देखिए, ये देखिए। तो भाई फ़िलहाल हम लोग स्टेशन से अब जा रहे हैं हम लोग वापस सेंटर, तो चलिए फटाफट से आगे दिखाते हैं।